ho, Merry Christmas. Once more. Ho, 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 Merry Christmas. ओके कैसे गाइस, ऐसा करते हम बहुत मस्त होंगे। सो गाइस वीडियो में ट्रेंड सिखाएंगे एक क्रिसमस के ऊपर ट्रेंड बताऊंगा, तो ज़्यादा दिन देर नहीं क्रिसमस आने में, तो लोग स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ आज वीडियो में। स्टेप बाई स्टेप ट्रेंड करने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। वीडियो में जो कुछ भी मेटल यूज करूँगा सभी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्टली मेटल डाउनलोड करना चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर सारे मेटल को डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहले बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस कर देना। सो गाइस आई विल टू अपलोड द विल टू टेक जनरेशन वीडियो को शुरू करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस ऑलराइट, आज आप लोग जो ट्रेडिशन सिखाएंगे क्रिसमस के ऊपर ट्रेडिशन सिखाएंगे, तो इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक मिल जाएगा। मैंने इसका लिंक पहले से डाल दिया था, आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। तो सिंपली टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक ऊपर टच करो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे। वो कैसे लिंक नहीं काम करेगा टेलीग्राम ऐप में, मेरा चैनल सर्च कर सकते हो बिल टू एम टेक बोल करके, सबसे पहले मेरा चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना है। और सिंपली आने के बाद यहाँ पे पिन मार्क ऊपर टच करना पड़ेगा, उसका सिंपली लेटेस्ट वर्जन जो अमेज़न का लिंक है 4.0.40 इसको आप लोगों को नीचे साइड मिलेगा, तो ऐसे करके सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका कुछ प्रॉब्लम अभी नहीं हो रहा है, तो होगा तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, तो एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हो रहा था पहले, तो यहाँ पे आके आप लोग सिंपली अमेज़न को डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो कर सकते हो तो सिंपली यहाँ पे 3.7 को भी कर सकते हो। ठीक है तो कर लेना। और गाइस आप लोगों को ट्रेड ट्रेडिंग करने के लिए तो पॉजिट को इंपोर्ट करना पड़ेगा अमेज़न ऐप के अंदर। उन दोनों पॉजिट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग सिंपली उन दोनों पॉजिट को इंपोर्ट कर लेना। और जिन लोगों का पॉजिट इंपोर्ट नहीं होता उन लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, आप लोग सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी दो पॉजिट को इंपोर्ट करके रखा है अमेज़न ऐप के अंदर, तो सिंपली आप लोग ओपन करके दिखा दूंगा, तो सिंपली प्रोजेक्ट पे टच करूंगा, तो सिंपली लिंक के ऊपर टच करो डायरेक्टली आप लोग को लेकर आ जाएगा कोई ब्राउज़र पे, उसके बाद सिंपली डायरेक्ट आओगे सिंपली आप लोग अमेज़न ऐप के अंदर, तो आ जाना उसके सिंपली इंपोर्ट पे टच करके आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है तो सिंपली हम लोग जहाँ पे चाहेंगे सिंपली हम लोग इसको फास्ट जो म्यूजिक बीट मार है इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे मेरा चैनल नेम शो करेगा, उसके सिंपली यहाँ पे लिरिक थोड़ा सा है। ठीक है उसके बाद सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का लिरिक है, तो इस टाइप का फॉन्ट नहीं शो करेगा। तो फॉन्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को सिंपली जहाँ पे जाना पड़ेगा मैं आप लोग बताता हूँ, उसके बाद सिंपली यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फोटो ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए, इसके अंदर ऑडियो रहेगा और कुछ मिडमार रहेगा। ठीक है तो सिंपली हम लोग इसको इंपोर्ट करने के बाद एक और इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट है, इसको भी हम लोग को दिखा देता है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का एक इफेक्ट है टेक्स्ट के अंदर देने के लिए, उसके सिंपली हम लोग फोटो के अंदर देने के लिए इस टाइप का एक इफेक्ट मिलेगा। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेना। करने के बाद मैं फिर से मेन प्रोजेक्ट को ओपन कर लूँगा, तो मैंने जो अभी आप लोगों को बताऊँगा फ़ोन को बारे में, तो सिंपली फोन नहीं आप लोगों के पास फोन को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर टच करिए, एडिट टेक्स्ट पर जाइए, उसके सिंपली यहाँ पर जो है फॉन्ट यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो सिंपली यहाँ पे जो है व्यू ऑल पे जाके सिंपली आप लोग यहाँ पे थ्री लाइन पे टच करके इंपोर्ट फॉन्ट पे जाके मतलब जो फोल्डर है फोल्डर पे जाके आप लोगों का जो भी फोल्डर है फोल्डर से हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के लिए टच करके इसको ऐसे करके प्रेस करके यहाँ पे आप लोग ऐसे करके प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा। और फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें दे दूंगा, और फोन को डाउनलोड करने के बाद ऐसे करके आप लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेना। ठीक है तो उसके सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, उसके सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए फोन शो करेगा, तो ऐसे करके फोन को आप लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा। साइज वगैरह में जो भी है एडजस्टमेंट करके रखो तो कुछ भी नहीं काम करना पड़ेगा, तो सिंपल आप लोग इसके अंदर इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्ट ऐड करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ फोटो आप लोगों को ऐड करके दिखा देंगे, तो एक फोटो आप लोग ऐड करके दिखाऊंगे क्रिसमस का। सिंपल प्लस आइकन में टच करेंगे, उसके मीडिया पे जाएंगे, उसके सिंपली आइकन में टच करके सिंपल हम लोग सॉरी मैं यहाँ पे फोल्डर पे हूँ, तो यहाँ पे मैं जाके क्रिसमस का फोटो ऐड कर लूँगा, इस फोल्डर से एक फोटो ले लूँगा मेरी क्रिसमस का, तो सिंपल यहाँ पर टच करके इसको प्लस आइकन में टच करके इसको ऐड कर लेंगे। करने के थ्री डॉट पे इसको फिल एरिया कर देंगे, फिल कंप्रेसर एरिया। ठीक है हो गया, उसके मूवमेंट पे जाके इसको ऐसे करके बीचों बीच ठीक से एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो कर लेना। उसके जितना तक बीट मार उतना तक लेना पड़ेगा, एरो में टच करिए, उसके बाद सिंपल एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए सेकंड में टच करके कट कर देंगे, हो गया। उसके बाद सिंपली आप लोगों को अभी इफेक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, तो ऐसे करके आप लोगों को सारे फोटो एडजस्टमेंट कर लेना। तो एक फोटो एडजस्टमेंट करके दिखा तो आप लोग पता है कैसे फोटो एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है तो कर लेना, उसके बाद सिंपली आप लोग इफेक्ट को प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। इफेक्ट का देने के लिए तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो तीन इफेक्ट है। ठीक है तो फास्ट जो इफेक्ट है यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर जो लेयर है इसके ऊपर टच करिए, उसके सिंपली इफेक्ट पर जाके थ्री डॉट पर इसको कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद सिंपली आप लोगों को
यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट लेयर के ऊपर टच करके इफेक्ट पर जाकर थ्री ऑफ इसको पेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके फिर से आप लोग यहाँ पे टच करना पड़ेगा ऊपर लेयर, उसके फेक थ्री ऑफ पेस्ट पे हो गया। इन दोनों के देने के बाद यहाँ पे नीचे जो लेयर है उसके अंदर आप लोग को अलग एक इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सिंपली उसके लिए फिर से इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करके इफेक्ट पर जाकर थ्री ऑफ इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैंने कर लिया, उसके मेन प्रोजेक्ट को ओपन करके गए हम लोग सिंपली इसको भी लेयर के ऊपर टच करके दूसरे लेयर के ऊपर उसके इफेक्ट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली इसको भी सेम प्रोसेस में कर देंगे। तो मैंने कर दिया देख सकते हो। अभी आप लोगों को फोटो के अंदर इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सिंपली फिर से मेन प्रोजेक्ट को क्लोज करने के बाद इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करके सिंपली यहाँ पे फोटो लेयर ऊपर टच करके इफेक्ट पर जाकर थ्री ऑफ को कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। मैंने कॉपी कर लिया। करने के बाद सिंपली मेन प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जहाँ पे जाएंगे गाइस जहाँ से फोटो स्टार्टिंग हो रहा है तो इफेक्ट पर जाकर थ्री ऑफ को पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो ऐसे करके जितना भी फोटो रहेगा इस इफेक्ट को लोग एक एक करके मतलब सारे फोटो के अंदर ऐड कर देना पड़ेगा। तो जितना आप लोग फोटो ऐड करोगे लास्ट तरफ तक, ठीक है, तो इतना तक आप लोग कर लेना पड़ेगा। उसके बाद अभी आप लोगों को फर्स्ट तरफ आ जाना पड़ेगा। उसका सिंपली यहाँ पे आप लोगों को एक पार्टिकल वाला वीडियो को ऐड करना पड़ेगा। तो पार्टिकल वाला वीडियो को ऐड करने के लिए सिंपली प्लस आइकन पर टच करिए। उसके मीडिया पर जाके हम लोग एक फोल्डर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली इस फोल्डर में नहीं है तो इसको क्लोज कर लेते हैं। तो सिंपली इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो मैं ढूंढ लेता हूँ मेरे कहाँ पर है गाइस। सो गाइस पार्टिकुलर वीडियो मिल गया तो सिंपली इसको टच करके सिंपली प्लस से टच के इसको ऐड कर लेंगे। तो कर लिया उसका सिंपली इसको जितना तक हम लोगों का वीडियो बना उतना तक लेंगे। तो लास्ट तरफ चले जाएंगे जितना तक हम लोग वीडियो है गाइस सिंपली इसको इतना तक लेंगे। उसके बाद सिंपली एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए लेयर के ऊपर टच करके इस एक बार टच करके इसको कट कर दीजिए। उसके बाद स्पीकर पर टच करके इसको म्यूट कर दीजिए। उसके सिंपली इसको जो काम करना पड़ेगा थ्री डॉट पे जाके इसको फिल कंप्रेसर एरिया कर देना पड़ेगा। तो फिल हो जाएगा पूरा स्क्रीन में। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे जाएगा, लाइटिंग पे जाके इसको स्क्रीन पे सिलेक्ट कर दीजिए। इसका ब्लैक स्क्रीन हट जाएगा और इसका एक बार देख लीजिए फर्स्ट तरफ कुछ है नहीं है तो सिंपली शायद ठीक है सारे। ऐसे करके आप लोग इस पार्टिकुलर वीडियो को ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग नीचे से आप लोग अपना चैनल लोग इंस्टा लोग जो भी है आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद वीडियो को फोन के अंदर सेव करने के लिए इस आइकन में एक बार टच कर दीजिए। उसके बाद में वीडियो क्वालिटी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टच करके सिंपली फोन की सब सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एक्सपोर्ट पर टच कर दीजिएगा, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद लोग सेव बोलकर इंटरफेस आ जाएगा, उसके ऊपर सिलेक्ट करोगे तो आप लोग फोन के अंदर का वीडियो सेव हो जाएगा। ठीक है, जितना तक वीडियो दिखने के बाद अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बल का बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर देना सबसे पहले दिखने के लिए। और अगर वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक लाइक भी ठोक डालना और प्लीज़ वीडियो को फैलने से शेयर भी कर देना गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट में जरूर बताना गाइस। इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।